हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। मैं आकांक्षा, मैं आपकी अपनी चैनल माँ बेटी में आपका वेलकम करती हूँ। तो डियर, आज मैं बताने जा रही हूँ कि आप लॉकडाउन में जब बच्चों के स्कूल अभी नहीं खुले, उस समय आप 2 से 3 साल तक के बच्चों आप घर में कैसे पढ़ा सकते हैं। जो बच्चा आपका इस बार प्ले ग्रुप में जाने वाला था, उस बच्चे को आप इस बार घर में कैसे पढ़ा सकते हैं। और मैं आज जो ट्रिक बताऊंगी आपको, अगर आप कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो 100% आपके बच्चे का सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर नर्सरी क्लास में हो जाएगा। तो मैं आज आपको प्ले ग्रुप का सिलेबस बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा, मेरी वीडियो बीच में से स्किप मत करिएगा। मैं आज आपको अच्छे से समझाऊंगी कि आप अपने बच्चे को प्ले ग्रुप में, लॉकडाउन में भी घर में बैठकर कैसी पढ़ाई आप बच्चों को कराएं, क्या क्या आप बच्चों को पढ़ाएं जिससे बच्चा सब आसानी से सीख जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे बच्चों को पढ़ाई करा सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको प्ले ग्रुप का सिलेबस बताने जा रही हूँ। प्ले ग्रुप के सिलेबस में सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाया जाता है, देखिए, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 2 से 3 साल के बच्चे बहुत छोटे होते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें स्कूल में जाकर क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा। आप एक साथ वह सारा वर्णन उन पर डाल देंगे तो वे पढ़ाई नहीं करेंगे। धीरे धीरे खेल खेल में ही छोटे बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों को ओरल कन्वर्सेशन सिखाया जाता है। ओरल कन्वर्सेशन में बच्चों को बोलना सिखाया जाता है, बच्चों को बोलना और दिखाया जाता है कि बच्चों को कैसे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे बच्चों को पहले एप्पल, बनाना, मैंगो, ये सब सिखाया जाता है बोलना, उसके बाद ही लिखना सिखाया जाता है। बच्चों को पहले बताया जाता है कि ए बी सी डी, आ छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ई, जैसे क्या होती हैं। बच्चों को पहले 1, 2, 3 बनाकर दिखाया जाता है, सिर्फ उन्हें बोलने के लिए कहा जाता है। उसके बाद जब बच्चा अच्छे से बोलना सीख जाता है, उसके बाद ही उसे लिखना सिखाया जाता है। तो इस तरीके से प्ले ग्रुप में सबसे पहले बच्चों को ओरल कन्वर्सेशन ही सिखाया जाता है। सेकेंड है एक्टिविटीज़। छोटे बच्चों को एक्टिविटीज़ करना बहुत अच्छा लगता है। उनसे आप कोई भी एक्टिविटी करा लीजिए, कलर से, क्राफ्ट से, क्ले से, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों को सबसे पहले एक्टिविटी करना सिखाया जाता है, जिससे उनका मन स्कूल में अच्छे से लगने लगे और वो पढ़ाई अच्छे से करने लगे। तो आप उनको घर में भी कोई भी एक्टिविटी आप घर में भी बच्चों से करा सकते हैं। थर्ड है पिक्चर्स। आप पिक्चर्स के द्वारा भी बच्चों की पढ़ाई करा सकते हैं। जैसे आप उन्हें कोई भी पिक्चर्स दिखाइए और उन्हें बताइए कि ये क्या है। देखो, जैसे मैं आपको एक बुक दिखाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी, जैसे देखिए ये एप्पल बनाए, तो आप अपने बच्चे को बताइए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। आप बच्चे से ये मत बोलिए कि वो पहले उसको लिखना सीखे, पहले आप उसे बोलना सिखाइए। ये सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, इस तरीके से आप बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी बुक है, इसमें सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे देखो, ये छोटे आसे अनार, बड़े आसे आम, छोटी सी इमली, बड़ी सी ईख, ये सब दिया हुआ है। इस तरीके से आप बच्चे को पढ़ना सिखाएंगे तो बच्चा आसानी से पढ़ना भी सीख जाएगा और देखते देखते वो लिखना भी सीख जाएगा। देखिए इसमें 1, 2, 3 दिए। आप बच्चों को ऐसे बताइए ये कितना है, पहले तो आप उन्हें काउंटिंग करना सिखाइए, फिर उनसे पूछिए जैसे ये कितना है, 1, 2, 3, तो बच्चा आपको बताएगा 3 है। उनको इससे ये भी पता चलेगा, बच्चा आपसे पूछेगा कि मम्मा ये क्या बना है, तो आप उन्हें बताइए फिश है, ये फ्लावर है, ये एप्पल है, जैसे आप बताइए उनको, तो वो बच्चे जल्दी से सीख जाएंगे। ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने अपनी बेटी के लिए परचेस की थी, देख सकते हैं आप। ये 1, 2, 3 ऑल इन 1 ABC बुक है, इसे मैंने लोकल मार्केट से ही परचेस किया था। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं जिसे मैं अपनी बेटी को आसानी से सिखाती हूँ। इसमें फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल नेम, सब कुछ दिया गया। आप देखिए फ्लावर्स नेम दिए गए हैं, जैसे ये देखिए आप, जैसे फ्लावर्स नेम लिखे हुए हैं, तो आप बच्चों को आसानी से फ्लावर्स नेम भी बता सकते हैं। आपने देखा होगा मेरी बेटी तो 4 ईयर्स की है, तो इसलिए उसके लिए मैंने ये बुक ली थी। लेकिन जब जो बच्चा प्ले ग्रुप में होता है, आपने देखा होगा, उसके लिए जैसे एक पेज पे 2 ही डायग्राम बने होते हैं, जैसे एप्पल बना है, बनाना बना है, 2 ही
ही बने होंगे जिससे बच्चा आसानी से उसे देखेगा और वो एक ही चीज़ देखेगा जिससे वो जल्दी से सीखेगा। जैसे बच्चा अब इसमें तो बहुत सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं, उसमें वन या टू फ्रूट्स ही वन पेज पर बने होते हैं, तो जिससे बच्चा जल्दी से सीख जाता है। तो आप देख लिए, अपने बच्चे के हिसाब से ही आप बुक्स लीजिए। देखिए, अगर आप ये वाली बुक्स लेना चाहें तो ये भी आप लोकल मार्केट से ले सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है राइम्स। राइम्स भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। राइम्स तो आप मोबाइल में से भी बच्चों को निकाल कर सिखा सकती हैं, या फिर आप अगर ऐसी वाली बुक्स लेंगी तो इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी राइम्स दी हुई हैं, तो जिसे आप आसानी से बच्चों को सिखा सकती हैं। जैसे देखिए, इसमें एक ये वाली राइम्स दी हुई है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, और देखिए ये सारी राइम्स इसमें दी हुई हैं, जैक एंड जिल, वेंट अप द हिल। देखिए, आप सब कुछ बच्चे को अच्छे से सिखा सकते हैं। रैन रैन गो अबे, बाबा बाबा ब्लैक शिप, ये सिंपल सी राइम्स ही इसमें दी गई हैं जो आपका बच्चा आसानी से, आप बोलेंगे पढ़ेंगे तो आसानी से सीख जाएगा। इस तरीके से आप पिक्चर्स दिखाकर भी बच्चों को सिखा सकते हैं। राइम्स में राइम्स आप बच्चों को दिखाइए, इसमें हिंदी राइम्स नहीं है। आप हिंदी राइम्स की बुक भी मार्केट से परचेज़ कीजिए और उसमें से आप हिंदी राइम्स बच्चों को सिखाइए, बच्चा जल्दी से सीख जाएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्ले ग्रुप में बच्चों को ट्रेसिंग करना सिखा दिया जाता है। जैसे बच्चों को ट्रेसिंग में सबसे पहले सिखाया जाता है स्टैंडिंग लाइन, ये है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ये दो स्लैंटिंग लाइन होती हैं, एक राइट स्लैंटिंग लाइन, एक लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। इस तरीके से आप बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा। आप बच्चों को ट्रेस करके भी सिखा सकते हैं, जैसे उन्हें आप डॉट डॉट बनाकर दीजिए और उन्हें आएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप बच्चों को डॉट डॉट बनाकर दीजिए और उनसे पेंसिल चलाने के लिए बोलिए, जिससे बच्चों को अच्छा लगेगा और वो जल्दी जल्दी बनाना भी सीख जाएंगे। अगर आपका बच्चा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन को समझने लगेगा तो आप उन्हें फिर ए बी बनाना भी सिखा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप प्ले ग्रुप सिलेबस की पढ़ाई कराएंगे तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। जब आपका बच्चा ये समझने लगे तो उसके बाद आप बच्चों को इस तरीके से ए बनाना सिखाइए। आप उनको डॉट डॉट बनाकर भी ए बनाना सिखा सकती हैं, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और बच्चों की पढ़ाई भी आसानी से हो जाएगी। इस तरीके से आप बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। और छोटा आ बड़ा आ बनाने के लिए आप बच्चों को इस तरीके से बनाकर दीजिए। ये तो आपने भी अपने बचपन में पढ़ा होगा कि छोटा आ के लिए इस तरीके से आप बच्चों को सिखाइए, एक एक बनाने को दीजिए, जिससे बच्चा इसमें इंग्लिश भी कवर होगी बच्चे की, हिंदी भी कवर होगी और मैथ्स भी कवर होगा। आप देखिए, मैथ्स में थ्री बनाना है तो फिर भी ऐसे ही बनाना पड़ता है, तो इस तरीके से बच्चे की तीनों बुक्स कवर हो जाएंगी। इस तरीके से आप बच्चे को पढ़ना सिखाइए, अपने बच्चे को आप कलर करना सिखाइए, इससे भी बच्चे जल्दी जल्दी सब कुछ सीखने लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस लॉकडाउन में भी आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। इस सिलेबस को देख के आप अच्छे से अपने बच्चे को पढ़ा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।